कि एहसास नहीं। अगर एहसास होने लगे फिर शौक बेदार होता है, फिर इंसान किसी को कुछ दे के राजी होता है, फिर उसका हजरत हुजाफा बिन जमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस इमाम गजाली लाए और अपनी सनद के साथ लाए, हजरत हुजाफा बिन जमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना एक सफर में था, गर्मी बड़ी शदीद थी, एक जगह पे बाग नजर आया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए सरकार उस बाग को बरकत देने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो सामने कुआं भी नजर आया, तो तबा मुबारक चाही कि गुसल ही ना कर लिया जाए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम कुएं के करीब चले गए गुसल फरमाने के लिए, तो कपड़ों समेत सरकार गुसल फरमा रहे थे, फिर भी मुझे फरमाया कि जरा चादर तान के नहीं खड़े हो जाते, ये ना ज्यादा शर्म वाला होता है खुला लिबास, इसमें ज्यादा एहसास होता है। ये गर्मी आती है ना तो समझदार आदमी भी खाली बनियान में घूमने लगता है, सियाणा बंदा भी अच्छा नहीं लगता, तहजीब के मुताबिक नहीं। हमारी वजादारी जो होती है वो बाहर नहीं घर के अंदर भी ज़रूरी होती है, बेटियाँ हैं बहनें हैं घर के अंदर, बड़ा अच्छा रवैया इंसान का हो ताकि खूबसूरतियाँ और खुशबुएँ बिखरें। कपड़ों समेत गुसल फरमा रहे और हजरत हुजाफा बिन जमान कहते हैं मैं चादर तान के खड़ा हो गया, सरकार थोड़े से गुसल के बाद फरमाने लगे हुजाफा गर्मी बड़ी थी नहाने में बड़ी लज्जत आ रही है, तो मैं थोड़ा और ना नहाऊं, तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो नौकरी कबूल हो रही है, मेरे लिए तो सादतें। कहते हैं सरकार ने थोड़ा गुसल किया, हुजूर बस करने लगे तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा और गुसल फरमाए, सरकार ने थोड़ा और गुसल किया, मैंने कहा हुजूर और करे। कुछ देर हुजूर गुसल करते रहे, तकमीले गुसल पर मैं बड़ा राजी था, कलेजा बड़ा ठंडा था कि आज मेरी खिदमत कबूल हुई, आज मुझे हिस्से में ये सआदत आई। कहते हैं जब मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर फरमाने लगे चल अब तू भी गुसल कर, तू भी गुसल कर अब। तो मैं गुसल करने लगा तो फरमाया इधर देखना मेरी तरफ, ये हमारे यहाँ ना कुछ लोग बन के बैठ गए और उन्होंने समझा कि शायद चूंकि मैं लीडर हूँ, शायद मैं सरबराह हूँ और बाकियों पर लागू है कि मेरी गाड़ी के पीछे दौड़े और मेरे नारे लगाएं। देखो जब इंसान इंसानों के अंदर एहसास पैदा करने की तरफ देखेगा तो सबसे पहले मेरे महबूब की ज़िंदगी से दर्स हासिल करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुसल करो, कहते मैं गुसल करने लगा तो महबूब फरमाने लगे चादर मुझे दो मैं तान के खड़ा होता हूँ। कहते हैं मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाएं आप ये ना करें, तो हुजूर ने फरमाया तूने किया है ना तो मैं क्यों ना करूं। कहते हैं अब हुजूर ने हुक्म दिया तो मैंने चादर सरकार को पेश कर दी, हुजूर तान के खड़े हो गए तो मैं जल्दी से गुसल करके फारिग हो गया। मैंने कहा हुजूर नहा लिया है, फरमाया हुजाफा मुझे गर्मी लग रही थी तो तुम्हें भी लग रही होगी ना, सही करके गुसल करो। कहते मैं गुसल कर चुका यारो, ज़रा इसकी लज्जत तो महसूस कर लो, कोई हर्ज नहीं यार, अगर कोई काम हमें कभी अपने हाथ से करना पड़ जाए कोई मसला नहीं, अगर आसमानों पे चलोगे तो ज़मीन वालों से प्यार नहीं बढ़ेगा और अगर ज़मीन वालों के बीच रहोगे प्यार करोगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। हजरत हुजाफा बिन जमान कहते हैं कि मैं फिर थोड़ी देर गुसल के बाद अर्ज की हुजूर कर लिया गुसल, तो कहते हैं अब सरकार ने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया हुजाफा दो अरफी बात है, जितनी देर मैंने गुसल किया तुम भी उतनी देर ही करोगे और करोगे तो बात ख़त्म होगी वरना ये बात ख़त्म नहीं होगी। हजरत हुजाफा बिन जमान फरमाते मैं नहा भी रहा था और मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम भी पेश कर रहा था। देखो अगर ये शिद्दत आए ना, देखें मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को ना बन जाती है आदत स्टेज पर बैठने की, आप यकीन करें बन गई है, मिसाल नहीं दे रहा सही कह रहा हूँ। अब कई दफ़े ऐसे होता है कि बहुत सारी महाफिल में ना चाहिए ना बंदा पीछे बैठ जाए, लेकिन वो ऐसी जो निजी जो असातिज़ा की हैं जो बुज़ुर्गों की हैं जिनमें बड़े बैठे उनमें भी कई दफ़ा शक होने लगता है कि आगे ही जाना है, हालांकि नहीं जाना। और कई ऐसे चौधरी साहब पीर साहब सूफी साहब होते हैं जो गर्दन उठा उठा के नकीबे महफल को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ, कर ले ऐलान किसी तरीके से, फिर आप तंग होते हैं। फिर देखे ना इस महफल का भला मेहमान खुसूसी मैं तो नहीं,
इसमें महफिल के तो मेहमान खुसूसी वो हैं जिन्होंने यहाँ झाड़ू दिया है, जिन्होंने लोगों को दावत दी है, और जो बैठ के दाएं बाएं देख के बड़े राजी हो रहे हैं दिल ही दिल में कि देखा हमारी महफिल कितनी कामयाब हुई। ज़ौक पैदा हो रहा है, शौक पैदा हो रहा है। हम अगर एहसास करने लगें, थोड़ा सा बीच रहने लगें लोगों के, हुस्न पैदा होगा, प्यार बढ़ेगा, भाई के साथ रिश्ता मजबूत होगा, दोस्तों के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। ये जो मुलाजम छोड़ के चला जाता है ना, उसको 5,000 ज़्यादा मिलता तो निकल जाता है, उसकी वजह यह थी कि आपका उसके साथ रिश्ता मजबूत नहीं था। अगर ताल्लुक मजबूत हो जाए, मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का खादिम कहता है मुझे एक दिन फरमाने लगे, यानी खादिम को, गुलाम को फरमाने लगे, यार कपड़े तेरे भी पुराने हो गए हैं तो मेरे भी हो गए, चल खरीदारी करने ना चले। कहते मुझे ले गए बाजार और दो जोड़े हजरत अली ने खरीदे, एक खासा महंगा था एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का है। कहते वो थैले में डाले, उठाने मैंने थे, मैंने वो उठाए और मैं चलने लगा। कहते जब वो चौक आया ना जहाँ से मौला कायनात शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने अपने हुजरा नूर में जाना था और मैंने अपने घर में जाना था, तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे ला भी बेटा मेरे वाला सूट मुझे दे दे। तो बिल्कुल तयशुदा बात थी, मैंने वो महंगा जोड़ा निकाला और हजरत अली की तरफ बढ़ाया, तो हजरत अली फरमाने लगे ये तो नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। तो वो शख्स कहता है मैंने एक फलसफा बयान किया, मैंने एक इल्लत बयान की, एक लॉजिक बयान की, मैंने कहा हुजूर ये आप रखें और ये जो सस्ता है ये मैं रखता हूं। फरमाया वजह, कहने लगा हुजूर वजह बड़ी सादी सी है, एक पूरा फलसफा इसके पीछे, और फलसफा ये है कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूं, तो आका महंगा पहने और गुलाम सस्ता पहने। तो हजरत अली वो वाले आलिम हैं जिनको इल्म भी मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है, तो आप हुक्म भी कर सकते थे कि नहीं तू ला मैंने वही पहनना, हुक्म भी कर सकते थे, लेकिन उसने दलील दी थी ना, दलील दी थी ना, तो पहले उसकी दलील को तोड़ना जरूरी था। हजरत अली कहने लगे फलसफा ही तूने बयान करना है तो अपने वाला ना ना कर, तू मेरे वाला कर। उसने कहा हुजूर क्या माना? आप फरमाने लगे तू कह रहा है कि महंगा जोड़ा मैं पहनूंगा और सस्ता जो है वो तू पहनेगा। फरमाने लगे तूने ये दलील बयान की है कि मैं आका हूं तू गुलाम है, तो फरमाया तू मेरे वाले इल्लत लेना। हुजूर वो क्या? आप फरमाने लगे तू पहन महंगा और मैं पहनता हूं सस्ता, दलील ये है कि तू जवान है और मैं बूढ़ा हूं, तो जवानों को पहनने चाहिए महंगे कपड़े, बूढ़ों का तो सस्तों से भी गुजारा हो जाता है। तो वो खादिम कहता है मैं लाजवाब हो गया, और फिर वो कीमती जोड़ा मुझे दे गए और सस्ता जोड़ा वो ले गए। कहते हैं शेर खुदा तो चले गए, लेकिन सारी जिंदगी में सोचता रहा कि कायनात में दोबारा ऐसे लोग दुनिया में आएंगे सही, ये मिलेंगे सही। एहसास की जब शिद्दत होती, अब यकीन करें इस मुल्क के अंदर दो चीज़ें इतनी शिद्दत से आम हुई हैं, इतनी शिद्दत से, एक प्रोटोकॉल, एक वीआईपी कल्चर। इन दोनों चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया। अब तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बेचारे करीब ही नहीं आते, वो कहते हैं नहीं मेरे वाला काम ही नहीं, वो पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग बेचारे बिल्कुल पीछे हो गए, मायूस हो गए। वो कभी हुकूमत बदलती है तो उनसे कहा जाए ना हुकूमत बदल गई है, तो वो दो अरफी बात करते हैं, कहते हैं जो मर्ज़ी आ जाए हमने तो मेहनत करके खाना है, सुबह काम पे जाएंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। वो बहुत सारे निज़ाम से देखे ना, ये सियासी तबसरे वो बंदा करता है जो रोटी पेट भर के खाता है, और जिस बेचारे को पता है ना कि जो घी सुबह लाया था वो ख़त्म हो गया है, और सुबह बच्चों ने नाश्ते के लिए जब पराठे मांगने हैं तो घी कोई नहीं, तो वो फिर सियासी तबसरे नहीं करता, वो तो तकलीफ़ में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एहसास की दौलत तकसीम की थी। मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, हजरत बिलाल अबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने असर की नमाज की इकामत पढ़ दी थी, एक बद्दू आया, एक यहूदी का गुलाम, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप मेरे साथ चलें मेरा छोटा सा काम कर दें तो मेरी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। सैयदना बिलाल अबशी फरमाते हैं नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया इकामत हो चुकी थी, फरमाया तुम बैठ जाओ मैं ज़रा इस बद्दू का काम करके आता, तुम ज़रा बैठो
मैं सिर्फ इशारे करता हूँ, आपको मिलेगा कि हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का कर्जा उतारना था तो सरकार खेत तक गए और बाकायदा सिफारिश की उनकी। अब तो लोग कहते हैं ना, जब तक वो खिदमत कर रहा है तो तब तक वो खिदमत गुजार है, कहीं उलझ जाए तो कहते हैं उसका ज़ाती मसला है, और मैं ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो मियाँ, जब आपके पास था, आपका वर्कर था, तब ज़ाती मसला क्यों नहीं था? अब वो उलझ गया है तो ज़ाती मसला है। एक औरत रो रही थी तो सरकार सिफारिश के लिए उसके साथ नहीं चले गए थे कि मेरी मालकन मुझे मारेगी? आप कुतुब हदीस कुतुब सीरत को पढ़ें। यही वजह थी कि हुजूर के गुलामों में वो दर्द आया, बड़े जोर शोर से आया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला, इस शख्स का आप जाहो जलाल देखे ना, तो किसरा का बादशाह कहता है उमर मिलना है, तो उमर फरमाते मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं मिलता, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, ये जाहो जलाल है। और इंसानियत की खिदमत का जज्बा क्या है, चेहरे पे नकाब ओढ़ के रात को घूम रहे हैं, सामने एक खैमा नज़र आ गया। सैयदना फारूक आजम करीब गए तो एक आदमी खैमे में है और बड़ी परेशानी में है, अंदर से निकलता है फिर अंदर जाता है, फरमाया खैरियत है? कहने लगा बड़ी दूर से आया हूँ, अमीरुल मोमिनीन से मिलना था, रात हो गई यहीं, मेरी बीवी के यहाँ विलादत होनी और वक्त करीब आ गया, वो तकलीफ़ में, तो यहीं खैमा लगा के मैंने बिठा लिया है। तो ग़ुलाम आप कौन है? तो हज़रत उमर कहने लगे तो मुझे छोड़, मैं अभी आया घर गए। हज़रत उमर तवज्जो है मेरी बात पर, बस समेटने लगा हूँ, घर गए और खातून ने अव्वल से कहा, मलका से कहा, अपनी अहलिया से फरमाया, फरमाने लगे को नेकी कमाने का इरादा है? वो कहने लगी बड़ा इरादा है। तो कहने लगे फिर बच्चे की विलादत के लिए जिन चीज़ों की हाजत होती है वो साथ ले लो। मैं आपको उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसके नारे से लोग कांप जाते हैं, लेकिन वो जो वो उसूल अपनी जगह पे और इंसानों का प्यार अपनी जगह पे। हज़रत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, उन्होंने कहा कुछ चने ले लें, कुछ जो है वो घी ले लें, कुछ सिरका ले लें, और आप ये सारी चीज़ें डाल के तो पकाएं। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला उन्होंने चूल्हा जलाया। वो शख्स कहता जब उमर फूंके मारते थे ना आग में तो मैं उनकी दाढ़ी से धुआं निकलते देखता था। हज़रत उमर ने चूल्हा जलाया, ऊपर खाना रखा, वो जो कहा था वो, आपकी अहलिया अंदर चली गई खातून के पास। वो शख्स कहता मैंने 2-3 दफ़ा हज़रत उमर को काम बताया तो मैंने समझा कोई ग़ुलाम है, अमीरुल मोमिनीन ने ड्यूटी लगाई है कि रात को मुसाफिरों का ख्याल रखना, तो मैं उन्हें कहता ग़ुलाम इधर आ पानी लेके आ, तो उमर दौड़े आते, वो ड्यूटी करते रहे। जब बच्चे की विलादत हो गई तो अंदर से जनाब उमर की अहलिया बोली, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मेरे हाथ में प्याला था, धड़ाम से गिरा, मैंने तो उमर का जलाल सुना हुआ। मैंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं, आप क्या ख्याल है आपका, लोग बातों से बड़े होते हैं। किरदार इंसान को बड़ा करता है, किरदार उसे जिंदा रखता है, किरदार उसे जीने का ढब और हौसला देता है। हजरत फारूक आजम से कहने लगे आप उमर हैं? जनाब फारूक आजम कहने लगे हाँ मैं उमर हूँ, तुम्हें ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, बाकी सुबह आना और जिस काम तुम आए हो वो भी किया जाएगा। उसने पैर पकड़ लिए, अमीरुल मोमिनीन मुझसे गलती हो गई, फरमाया उठ मेरे सीने से लग, तुझसे गलती नहीं हुई, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे नेकी कमाने की तौफीक अता कर दी है। अपनी ज़िंदगी में 3-4 चीज़ों का ख़ास ख्याल करें, अकायद मजबूत रखें। हमारे अंदर को आ जाती है ना कमज़ोरियाँ, इंसान हैं, उनको दूर करने के लिए एहसास पैदा करें। तीसरी बात यह कि एक दूसरे का, देखिए ना अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो सारे पैसे उस पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है, मेरी बहन का बच्चा जो लायक है तो उस पर क्यों ना पैसे खर्च कर दिए जाएं, एक लायक आदमी तैयार कर लिया जाए। एहसास पैदा करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माशरे के अंदर किस तेज़ी के साथ लोगों के मसाइल में कमी आती है और खैर तकसीम होती है। मैं दुआ करता हूँ जो मैंने कहा मेरा मालिक उसे कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान आमदन साहबन जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। मुसलसल सफ़र करते रहते हैं तो फिर यह है कि सफ़र ही चलता रहता है। सुबह 11 बजे के निकले हुए, अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे। जब आप मिलने के लिए आते हैं तो कई दफ़ा वो इतनी शिद्दत हो जाती है कि बाज़ लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है। इसी पर इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे, अल्लाह ने मौका दिया फिर मुलाकात होगी। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما، ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما۔ اے مالک کریم، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ مالک کریم، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما۔ مالک، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق دے دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ مالک کریم، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما، ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ آج اس محفل کی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے قادری ساؤنڈ سسٹم